अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दानिश और मैं वेलकम करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मेरठ लव बर्ड लवर। आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने शेड की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है, कहीं नहीं जाना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरठ के आसपास से हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, बर्ड परचेज और सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और अपनी स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेयर नंबर 1, इसके अंदर ग्रीन फिशर स्प्लिटिनो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिटिनो की फीमेल। ये है दोस्तों बॉक्स नंबर 1, केज नंबर 1। इसके अंदर हमारे पास है ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल। ये हमने लोटिनो ऑफलाइन की वर्किंग का पेयर लगा रखा है और हमारे पास इस सीज़न में इसी पेयर से दो पीस हमारे पे लोटिनो ऑफलाइन और एक पीस डैक ऑफलाइन आया था। इसका दोस्तों थर्ड क्लच चल रहा है। मैं बॉक्स इसका हटाने ही वाला था पर इसने एग्स ले कर दिए, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने एग्स ले कर रखे हैं। चलते हैं बॉक्स नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारा एल्बाइनो फिशर की फीमेल और एल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो का मेल है। इसका भी दोस्तों 3 से 4 क्लच चल रहा है। इसने भी एग्स लेकर रखे हैं, शायद 1-2 दिन में हैचिंग भी हो जाएगी। आइए पेयर भी दिखाता हूं मैं आपको और इसका बॉक्स भी दिखाता हूं। ये पेयर मेरे पास दोस्तों तकरीबन 1-2 साल हो गए इस पेयर को। बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है मेरे पास पेयर। ये बैठा देखिए, ओ माशाल्लाह भाई, एक चिक्स भी निकल गया। मैं आपको दिखाता हूँ पेयर ये बैठा और इसका एक चिक्स भी निकल चुका। देखिए हैचिंग स्टार्ट हो गई है। इसने 9 अंडे दिए थे पेयर ये रहा। अब चलते हैं बॉक्स नंबर 3 की तरफ और इसमें भी हमारा दोस्तों येलो बुल स्प्लिटिनो मेल और फीमेल। ये पेयर भी हमें दोस्तों रेड आइज बच्चे निकल कर देता है। इसका भी दोस्तों थर्ड क्लच चल रहा है, इसने भी एग ले किए हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पेयर भी दिखाऊंगा और आपको बॉक्स भी चेक करके दिखाऊँगा। ये भी तकरीबन 2 साल से मेरे पास पेयर है, ब्रीडिंग पेयर, और ये 4 सेल भी है। ये देखिए इसने 3 एग्स ले कर रखे हैं और पेयर आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत और मार्किंग में बहुत ही अच्छा पेयर है। ये देखिए ये पेयर दोस्तों मेरे पास 2 साल से ब्रीड कर रहा है और ब्रीडिंग पेयर है विद डीएनए और ये 4 सेल है। अगर किसी भाई को चाहिए तो मैं उसको दे दूंगा। अगले पेयर की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और इसमें पार्बलू फिशरी की फीमेल है जो कि स्प्लिट ऑफलाइन है। ये ब्लू ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन और नॉर्मल तीनों तरह के बच्चे निकालती है। ग्रीन ऑफलाइन की क्वालिटी चेक करिए आप, ये ग्रीन ऑफलाइन है और फीमेल इसके अंदर है। फीमेल शायद नहीं दिखेगी क्यों, नीचे उसने सुरंग टाइप बना रखा है, अंदर फीमेल अंदर बैठी हुई है।
अब चलते हैं दोस्तों बॉक्स नंबर 4 की तरफ। इसमें हमारे पास डेक इनो का मेल है और एल्बाइनो फिशर रेड आइस की फीमेल है। इसका भी दोस्तों मेरे पास 4th क्लच चल रहा है और इसकी भी मैं आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। इसने भी मेरे पास 3 क्लच दिए और 3 क्लच में मेरे पास 9 चिक्स इसने निकाले और अब भी इसने एग्स लेकर रखे हैं। ये फीमेल आई है देखिए एल्बाइनो रेड आइस की और ये पहले पेयर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए पेयर और इसने भी एग्स लेकर रखे हैं। ये देखिए 3 6 6 एग्स दे रखे हैं इसने फीम। ये भी मेरा पिछले साल मैंने ही अपने पास पट्ठे अपने रोके थे सेमी एडल्ट्स, उन्हीं से ये पेयर मैंने तैयार किया था तो इसने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। इस ब्रीडिंग बहुत अच्छी करी इसने इस साल। दोस्तों अब चलते हैं हम बॉक्स नंबर 5 की तरफ जिसमें कि हमारे पास पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है और वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त पेयर है। ये मेल मैंने आपके पार ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल को दिया है। पहले मैंने ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल को दिया था ये मेल, उसके चिक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। 4-5 चिक्स निकले थे उसके और इसका भी 2nd क्लच चल रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए ये पार ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है और वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, बहुत ज़बरदस्त, और बच्चे भी इसी तरह की क्वालिटी के निकालते हैं। दोस्तों अब चलते हैं बॉक्स नंबर 5 की तरफ। इसमें दोस्तों हमारे पास ब्लू फिशरी की फ़ीमेल और सेबल का मेल है। ये भी बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारे कलर में मेल फीमेल है इसकी और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी भी एग्स आए में हैं और इसका भी 3rd क्लच चल रहा है। ये देखिए फिशरी मार्किंग में है और फीमेल अंदर है। फीमेल ने एग्स लेकर रखे हैं। फीमेल वॉयलेट सेबल में है, बहुत ही अच्छी मार्किंग के अंदर और कलर। ये देखिए ये मेरे पास 2 साल पुराना पेयर है। इसने मेरे पास तकरीबन 85 बच्चे निकाल दिए होंगे सेबल और फिशरी के वॉयलेट। ये भी बहुत ज़बरदस्त पेयर है, ये भी 4 सेल है। किसी भाई को चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैसेज करें, स्क्रीन पे मैं अपना नंबर शो कर दूंगा। अगर किसी भाई को ब्रीडिंग पेयर विद डीएनए चाहिए तो भाई मेरे सेटअप पर ब्रीडिंग पेयर विद डीएनए आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी मार्किंग क्वालिटी के अंदर मिलेंगे। और आपके सामने मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि इनके कितने कितने क्लच हो गए हैं, देखिएगा आपके सामने है। दोस्तों अब चलते हैं बॉक्स नंबर 8 की तरफ और हमारे पास इसमें ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है। ये देखिए इसी फीमेल के साथ मैंने जो वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल दिखाया था दोस्तों, वही मेल मैंने इसके साथ लगाया हुआ था और इसका भी दोस्तों 3rd क्लच चल रहा है और इसकी भी, इसके चिक्स भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसके कौन कौन से चिक्स आए थे। पहले इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों 4 एग्स दे रखे हैं इसने और मेरे ख्याल से 1 अंडा ख़राब हो गया और 3 अंडे फर्टाइल लग रहे हैं। दोस्तों मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया, गर्मी ज़्यादा आ गई है। मैं चाह रहा था कि बिल्कुल बॉक्स इनके उतार दिए जाएं, मगर सभी पेयर ने मेरे पास फिर दोबारा से एग्स ले कर दिए थे, एग्स फर्टाइल हो गए थे। तो मैंने सोचा अगर चिक्स निकलते हैं ठीक, नहीं निकलते तो मैं जैसे जैसे बर्ड फ्री होते चले जाएंगे मैं उनको रेस्ट पे छोड़ता चले जाऊंगा फ्लाइंग केज में। ये दोस्तों आप ऊपर देख रहे होंगे फिंच हैं। ये मैंने अपने शौक के लिए एक पेयर रखा था, इसने इस सीज़न में बहुत सारे चिक्स निकाले, 4-4 5-5 बच्चे पाल रहा है एक पेयर। मैंने अपने रिलेटिव में सारे चिक्स इसके दे दिए, ऐसे ही गिफ्ट कर दिए। अब मेरे पास 2 पेयर बचे हुए हैं, ये दोनों पेयर ब्रीडिंग पेयर हैं, ये मैंने रोक रखे हैं अपने लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडिंग कर रहे हैं मेरे पास। अब चलते हैं दोस्तों अगले पेयर की तरफ।
जो कि हमारा लोटिनो ऑफलाइन वर्किंग के लिए पेयर हमने लगा रखा है। इसके अंदर ग्रीन ऑफलाइन यूविंग स्प्लिटिनो का मेल है और लोटिनो फिशर रेड आइज की फीमेल है। दोस्तों 4 eggs ले करे थे इसने और 2 chicks इसने हैच करे और बड़े कर दिए, शायद 2 अंडे इसके ख़राब हो गए। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, ये फीमेल बैठी है रेड आइज के अंदर और इसने 2 chicks निकाल रखे हैं। अब देखते हैं बड़े होके क्या निकलते हैं। डेक ऑफलाइन निकलते हैं, लोटिनो येलो बुल निकलते हैं, स्प्लिटिनो ऑफ स्प्लिट ऑफलाइन। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि हमारा वाइल्ड मास का पेयर है। ये भी बहुत अच्छी मार्किंग के अंदर है दोस्तों, ये भी मेरे पास 3 साल से ब्रीड कर रहा है और इस सीज़न में इसने 4 से 5 clutch मुझे दिए, बहुत ही अच्छे बच्चे निकाले। एक भाई हमारे मेरठ में ही हैं जानने वाले, उन्होंने मुझसे 10 chicks लिए, इससे बुक कर लिए थे। उन्होंने कहा ये इसके चिक्स किसी को देना मत और इसके सारे वाइल्ड मास के चिक्स मैं लूँगा, तो मैंने सारे चिक्स उन्हीं को दिए दोस्तों। ये देखिए पेयर ने अब भी, पेयर कितनी अच्छी क्वालिटी में है। इसका ब्लैक हेड है, येलो चेस्ट है और 4 से 5 eggs इसने ले कर रखे हैं, ये देखिए। अब चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि दोस्तों हमारा एल्बाइनो रेड आइज का मेल है और ब्लू ऑफलाइन की स्प्लिटिनो की फीमेल है। इसने सारे स्प्लिटिनो बच्चे निकाले, पिछले क्लच में इसने मुझे एल्बाइनो निकाल कर दिया था मगर इस बार इसने सारे ब्लैक आइज बच्चे निकाले, 5 बच्चे, 5ों स्प्लिटिनो, ये देखिएगा, और बहुत अच्छी मार्किंग के अंदर हैं। ये पेयर ने भी मेरे पास 3 clutch निकाले और 3 clutch में मुझे इसने 15 बच्चे दिए, हर क्लच में 5 बच्चे पाए पेयर। ये दोस्तों मैं आपको लास्ट पेयर है ये मेरा, बॉक्स नंबर 10। इसके अंदर येलो बुल स्प्लिटिनो मेल फीमेल दोनों, और इसने भी मेरे पास दोस्तों 4th clutch चल रहा है इसका। ये भी ब्रीडिंग पेयर है विद DNA 4 sale भी है। इसकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रीडिंग पेयर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, लोग पूछते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है, ब्रीडिंग पेयर है या नहीं है, तो मैं इसलिए आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ब्रीडिंग पेयर ही हैं और विद DNA। जिस भाई को चाहिए मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप ग्रुप भी है मेरा मेरठ लव बर्ड लवर के नाम से, और जो भी जुड़ना चाहता है ग्रुप में वो जुड़ सकता है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा जो कि मेरे पास 4 sale निकले हुए पट्टेल, ये लास्ट क्लच के। ज़्यादातर तो मेरे 4 sale हो चुके मगर कुछ बर्ड रह गए थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी भाई को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है वो। ये देखिए ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, इसके अंदर वाइल्ड मास है, ग्रीन फिशर यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन, इसके अंदर सेबल का भी पीस पड़ा है, लोटिनो फिशर रेड आइज भी है और माउ फिशरी भी है इसके अंदर। ये 4 sale है, किसी भाई को चाहिए तो मिल जाएंगे, ये नॉन DNA है सारे दोस्तों। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।